तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर है और ऐसे में लगातार इस मौके की तलाश की जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समंदर में अपना खेल खेलने का मौका इस दरमियान मिल गया है। इधर पुतिन ने बाइडन को उलझा रखा है, उधर चीन ने मौका देखकर अमेरिका की गर्दन दबोचने का प्लान बनाया हुआ है। ऑपरेशन ताइवान को हरी झंडी दिखा दी गई है। खबर तो यहां तक आ रही है कि चीन ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, बस युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है। चीन का दावा है कि वो सिर्फ 99 मिनट में ताइवान जीत लेगा। क्या है 99 मिनट वाला शी का वॉर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है, वो यूक्रेन युद्ध से भी भयानक जंग होगी। युद्ध का अखाड़ा तैयार हो गया है। शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है। चीन करेगा ताइवान पर हमला। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नई युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। ये चीनी सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। युद्ध की इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि चीन की सेना पीएलए इस युद्ध अभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है, इसलिए अब वो खुलेआम सांकेतिक धमकी पर उतर आए हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया है वही चीन ताइवान के साथ करने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका में तैनात चीनी राजदूत किन गैंग इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। किन गैंग का कहना है कि यूक्रेन और ताइवान को एक नजर से देखना गलत है, दोनों पूरी तरह से अलग है। यूक्रेन एक संप्रभु देश है, जबकि ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। ताइवान का प्रश्न चीन का अंदरूनी मामला है। लोगों के लिए ताइवान पर चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचाते हुए यूक्रेन पर संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर देने का कोई मतलब नहीं है।
मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्ध अभ्यास किया था जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया था। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार की गई थी। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में शामिल हो जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन चीन के मंसूबों को लेकर पूरी दुनिया को आगाह कर चुकी है। साई इंग वेन का कहना है कि दुनिया को समझने की जरूरत है कि ताइवान अगर चीन के हाथ में चला गया तो क्षेत्रीय शांति के लिए ये विनाशकारी होगा, ये लोकतांत्रिक साझेदारी के लिए भी विध्वंसकारी साबित होगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा करने के लिए तैयार है। इसलिए ताइवान की सेना हमेशा चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी रहती है। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर एक। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर दो। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर तीन। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर चार। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर पांच। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। ताइवान के तोप के गोलों पर पीएलए के सैनिकों के नाम लिखे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान की जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। ताइवान की सीमा में चीन की सेना बराबर घुसपैठ करती रहती है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अप्रैल को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए। इससे पहले जनवरी 2022 में चीन की वायुसेना 12 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है। 2021 में चीन के फाइटर जेट 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत कर चुके हैं। कभी ताइवान की हवाई सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, तो कभी ताइवान की समुद्री सीमा में पीएलए की दखलंदाजी, और अब ताइवान पर हमले की तैयारी ने विश्व के मानचित्र पर एक नए महायुद्ध का मोर्चा खोल दिया है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग मानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने तीन मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से एलएसी पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा।
ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने की वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है। इस वर्चुअल मीटिंग में शी जिनपिंग ने चेतावनी भरे लहजे में बाइडन को बोल चुके हैं, ताइवान में आजादी का समर्थन करना आग से खेलने की तरह है और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े।